वर्कर्स वगैरह से मिलने के लिए और जो हमारा जो पीडीपी का जो हमारा एजेंडा है जो ढाई अमाउंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाजी अगर देखा जाए यहाँ पर ट्रेड की बात की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे मैम? मेरा ये कहने का मकसद है कि जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी ट्रेड के हवाले से, अमन के हवाले से, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर के बीचों बीच गुजरता है। अगर वो वहाँ ट्रेड की बात करें तो मुजफ्फराबाद ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए, रावलापुर ट्रेड को बहाल किया जाना चाहिए। जब तक आप जम्मू कश्मीर को अपने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब तक आप जम्मू कश्मीर को उसमें शामिल नहीं करोगे तो कोई भी बातचीत तब तक जो है कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, ममता बनर्जी ने मैंने ममता जी को खत भी लिखा, मैंने कहा ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को और फेडरल सिस्टम को जो कमजोर करने का जो तरीका शुरू हो गया वो जम्मू कश्मीर से शुरू हो गया, जिसको जम्मू कश्मीर की रियासत के टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर की रियासत की स्पेशल पोजीशन को ख़त्म किया गया, मगर बदकिस्मती से उस वक्त पूरे मुल्क के जो सियासतदान के लीडर थे वो खामोश रहे और तमाशा देखते रहे। आज जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने तजुर्बा किया वो पूरे मुल्क में करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में इन्होंने अभी जो चीफ मिनिस्टर है उसके पावर्स ख़त्म कर दिए, तो इसको हम सब पार्टीज में मिलजुल के इकट्ठा होके इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। भाजी बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पर, उसे मतलब क्या कहेंगे? आज भी अटैक एक हुआ, नहीं उसको हम कंडम करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा, जो भी मसला हल होगा वो बातचीत से हल होगा। थैंक यू वेरी मच। Never miss an update.